हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, हम लोग विखंडन तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग खंडन पढ़ेंगे। देखिए, खंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉगमेंटेशन। देखिए, खंडन क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस विधि में जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग खंडन कहते हैं। जब ये क्या होता है, मान लीजिए क्या हमारा जनक है, जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या है, टूट जाता है या विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो ये क्या है, उसके बाद प्रत्येक खंड विकसित होकर एक नए क्या है, जीव बनाते हैं, उसी को हम लोग खंडन कहते हैं। अब देखिए, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला है स्पायरोगायरा, दूसरा है यूरोथ्रिक्स। अब देखिए, हम लोग चित्र को देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, यह जो है इसमें क्या होता है, खंडन होता है। देखिए, किसमें खंडन होता है, मार्केशिया में क्या होता है, खंडित भवन होता है। देखिए, जो हमारा मार्केशिया है, यह क्या कर रहा है, यह विखंडन करके मतलब टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, यह टूटा हुआ भाग एक क्या है, संतति का निर्माण कर रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या खंडन कहते हैं। अब देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला है पुनरुद्भवन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। देखिए, पुनरुद्भवन क्या होता है, इस विधि में जीव के किसी भाग को काटने पर वह भाग पुनः बन जाता है या उस कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसमें इस विधि में अगर एक जीव है, उसका शरीर क्या है, काट हम लेते हैं, काटने के बाद उससे क्या है, एक नया क्या है, जीव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया एग्जाम्पल, एक इसका हो गया क्या है, हाइड्रा हो गया इसका एग्जाम्पल, और दूसरा जो है क्या है, स्टार फिश हो गया, और तीसरा जो हमारा है यह प्लेनेरिया हो गया। आप देखिए, पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया को कैसे, मतलब प्लेनेरिया जो हमारा है, यह कैसे इसको काटने के बाद कैसे एक यह नया जीव उत्पन्न किया है। देखिए, ये जो हमारा प्लेनेरिया है, यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया यहाँ पर विभाजित होकर फिर क्या है, अपने ही जैसे क्या है, नए नई संतति का निर्माण कर लिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या है, पुनरुद्भवन कहते हैं। अब हमारा अगला क्या है, अगला है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोगेशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोगेशन कहते हैं। और देखिए, कायिक या वर्धी प्रवर्धन क्या होता है, देखिए, यदि नए पौधे का निर्माण मातृ पौधे क्या है, यदि नए पौधे का निर्माण मातृ पौधे के कायिक भाग जड़ तना पत्ती तथा पत्र प्रकलिका से होता है, तो इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या होता है इसमें, जब क्या है, इसमें अगर जड़ तना और पत्ती तथा पत्र प्रकलिका से होता है, तो इसे हम लोग क्या है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब देखिए, पहला हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा, जड़ों द्वारा, दूसरा है तनों द्वारा, और तीसरा है पत्तियों द्वारा, और चौथा जो हमारा है पत्र प्रकलिका द्वारा। अब देखिए, इसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में पहला होता है कलम लगाना, दूसरा होता है दाब लगाना, और तीसरा होता है गुटी बांधना, और चौथा होता है पायबंद लगाना। हमें इतना पता चल गया। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़ों द्वारा पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है, पहला हमारा है जड़ों द्वारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई रूट्स। देखिए, जड़ों द्वारा क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में कुछ पौधों की जड़ों पर
कुछ पौधों की जड़ों पर क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं और जो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा कहते हैं, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए इसमें कौन सी कलिका उपस्थित होती है, मतलब कौन सी कलिका आ जाती है, अपस्थानिक कलिका आ जाती है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा अमरूद हो गया और शक्करकंद आदि। शक्करकंद को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, गंजी कहते हैं। देखिए अब इसका चित्र है, देखिए शक्करकंद का है, एक क्या है डहेलिया का है। देखिए शक्करकंद में ये जो है हमारा, ये क्या है, इसको हम लोग क्या है जड़ कहते हैं, मांसल जड़ कहते हैं। और ये जो हमारा है यह क्या है, इसी हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कुछ पौधों की जड़ों पर क्या है, एक कलिका निकल आती है, इस कलिका को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक कहते हैं। अपस्थानिक कलिका यह है, देखिए यहाँ निकलती है, इतना हमें पता चल गया। और देखिए यहाँ से क्या है, नया पौधा बन जा रहा है। फिर इसमें देखिए डहेलिया में, देखिए इसमें भी ये क्या है, ये हमारा जो है यह क्या है, पुराना मूल कंद है, यह पुराना मूल कंद है। उसके बाद देखिए यह क्या है, नया मूल कंद बन गया। अब नए मूल कंद के बाद एक क्या है, नए पौधे का निर्माण हो गया। यह आज हम लोग जड़ों द्वारा पढ़ लिए हैं, अगले वीडियो में हम लोग तनों द्वारा पढ़ेंगे। अगर हमसे कहीं गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद।